अभी रिसेंटली पता चला है हमें कि 50 बंदे को यहाँ से निकाल दिया गया है, जिसकी सैलरी मतलब मैनेजर तब के लोगों को निकाल दिया जा रहा है। दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ विप्रो कंपनी, और वहाँ पे जाऊँगा और जो भी वैकेंसी वगैरह होगा कंपनी गेट पे सिक्योरिटी गार्ड से पता करूँगा और सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। यहाँ पे आपको पीजी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा महंगा वगैरह रहता है लेकिन ज़रूर मिल जाएगा, मतलब 6.5 से 7 हज़ार तक में आपको पीजी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह भी है दोस्तों। आजकल पीजी में ही लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि पीजी में सिक्योरिटी भी रहती है और खाना बनाने का कोई टेंशन भी रहता नहीं है, इसीलिए भी खास करके फीमेल लोग जिससे गर्ल्स वगैरह हैं वो पीजी चूज करते हैं। पीजी भी यहाँ मिल जाता है, देख रहे हैं सब पीजी ही है। और यहाँ पे होटल वगैरह भी बड़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा, देख रहे हो नाइट में तो और बहुत मज़ा आता है। और गन्ने का जूस वगैरह, गर्मी बहुत है तो बहुत सारा भीड़ पड़ा रहता है, 15 रुपये 20 रुपये फुल ग्लास हाफ ग्लास चलते रहता है, इतना अच्छा धंधा चलता है ये सब। और ये देख रहे हो रोड पे चश्मे वगैरह की दुकान, बहुत अट्रैक्टिव वगैरह है। और ये फ्लावर का शॉप भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, देख रहे हो बहुत सारे लोग आते हैं। और ये इधर मेट्रो का काम भी बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। और पीछे पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ के नीचे ही वो विप्रो कंपनी है और साइड में इन्फोसिस कंपनी भी है। मैं अभी पहले जाता हूँ विप्रो कंपनी के गेट पे। और ये पहाड़ी के नीचे बना विप्रो कंपनी, क्योंकि बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है ये, साइड में आपका इन्फोसिस, उसके पीछे वो जो डिजाइन वाले बिल्डिंग देख रहे हो उसके पीछे है, और ये बगल में फार्मा वगैरह कंपनी है। बहुत ही लाजवाब सीन है दोस्तों। अभी मैं जाने वाला हूँ विप्रो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछने वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों मैं अभी फाइनली आया था विप्रो कंपनी गेट पे पता करने के लिए कि वैकेंसी है कि नहीं। एक्चुअली दोस्तों मैं टारगेट करके आया था मेंटेनेंस वालों के लिए, एक लड़का था जो पूछा था कि विप्रो कंपनी वैकेंसी चल रही है कि नहीं प्लीज़ बताने के लिए। और मैं अभी हिंजौड़ी में हूँ तो सोचा मैं जाता ही हूँ, तभी आया था मेंटेनेंस वालों के लिए। तो मैंने पूछा वैकेंसी के लिए, तो सारे लोगों के लिए पूछा, चाहे वो 10th पास हो या फिर 12th पास हो, हर लोगों के लिए मैंने पूछा। तो वो डायरेक्ट बोलता है परसों आओ। तो एक्चुअली ये विप्रो कंपनी है दोस्तों, बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है, जहाँ पे दोस्तों आईटी वाले जिन्होंने मतलब आईटी से ग्रेजुएशन वगैरह किया है वो तो ऑनलाइन वगैरह पे जॉब ले लेते हैं। अगर दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन कम होता है, 10th पास 12th पास, या फिर दोस्तों आपका आईटीआई या फिर डिप्लोमा होता है, आईटीआई डिप्लोमा वाले, ये नहीं कि फ्रेशर, आपके पास साल भर या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस वगैरह में। आपको पता ही होगा कि आईटी कंपनी में नॉर्मल काम करना होता है, लाइट का फैन वगैरह प्रॉब्लम हो गया या फिर उसके कंप्यूटर वगैरह में प्रॉब्लम आ गया, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए आईटी में मतलब आईटीआई और डिप्लोमा वालों को लेते हैं, वो भी 1 साल का या फिर उससे अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटीआई और डिप्लोमा वाले, याद रखना। और दोस्तों अगर आपका 10th पास है 12th पास है तो यहाँ पे दोस्तों 12th पास को सिक्योरिटी गार्ड के लिए वैकेंसी निकलती है, और 10th पास वाले और उससे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए मतलब हाउसकीपिंग में रखा जाता है। तो अभी उसने बताया हाउसकीपिंग के लिए और ऑफिस बॉय के लिए आप मतलब परसों आओ, परसों कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आते हैं। और दोस्तों अगर आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़्यादा वैकेंसी चलता है गेट थ्रू, अगर दोस्तों आपको मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपको जॉब चाहिए या फिर आईटी फील्ड में जॉब चाहिए तो आपको ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपका एक अच्छा तगड़ा रेफरेंस होना चाहिए यहाँ पे जॉब के लिए, नहीं तो कोई यहाँ पे गुजारा नहीं है। ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन वाले ग्रेजुएशन वगैरह किए हो, जैसे मैंने बताया आईटी किए हो, तो डायरेक्ट गेट पे आओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो, उसके करियर में ऑप्शन में जाओ और वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना रिज्यूम वगैरह सेंड करो तो हो सकता है, नहीं तो गेट पे आने से सिर्फ नॉन टिकने वाले को ही जॉब मिलता है। और लाखों का सपना देखने वाले आईटी में जॉब करने वाले कैंडिडेट को मैक्सिमम मतलब बहुत सारे कैंडिडेट को कंपनी से निकाला जा रहा है, मैक्सिमम जितने भी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे लोगों को एकाएक मेल आ जा रहा है कि उसको कंपनी से मतलब हायर कर दिया गया बिना कुछ बताए हुए, पता नहीं उसका क्या
चल रहा है अभी, जितने भी हायर एम्प्लॉय थे, हायर पैकेज पाने वाले, सबको एक एक मेल आ जा रहा है कि आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। अभी रिसेंटली पता चला है हमें कि 50 बंदे को यहाँ से निकाल दिया गया है, जिसकी सैलरी मतलब मैनेजर तब के लोगों को निकाल दिया जा रहा है। पता नहीं इसका क्या प्लान चल रहा है, ऐसे आईटी कंपनी में होता है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। कब कंपनी का ग्राफ ऊपर जाए, कब शेयर मार्केट नीचे आ जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। बहुत सारे लोग का सपना होता है लाखों का पैकेज उठाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा ही देखना पड़ता है। खैर जो भी हो, हमें तभी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी नहीं मिल पाया, उसने बोला परसों आने के लिए। तो आज 2 तारीख हो गया, आप 4-5 तारीख को आओ तो हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का नंबर मिल जाए, तो आपको देखने को मिल जाएगा। धूप बहुत हो रहा है दोस्त, आप देख सकते हो मैं कितना धूप में घूम रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं।